शुभ आशीर्वाद क्या है आदरणीय राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी आप आगे बढ़ो। धन्यवाद। महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादाजी पाटिल, वरिष्ठ मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री श्री विनोद तावड़े जी, मंत्री सुश्री पंकजा मुंडे, मंत्री श्री चंद्रशेखर बामन कुलेवी, मंत्री श्री अनिल बोंडे जी, श्री जय कुमार रावल मंत्री, श्री गिरीश जी महाजन मंत्री, मंत्री श्री आशीष शेलार और हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री हंसराज जी अहिर, मंच और मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं और मैं बहुत गौर से आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का भाषण मैं सुन रहा था। उनके भाषण को सुनने के बाद बहनों भाइयों मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब कुछ ऐसा बचा नहीं है कि हम बोले, क्योंकि यदि कोई हमसे पूछे कि आप यह बताइए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने कैसा काम किया है, तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के इतिहास में करिश्माई काम करने का काम किया है। बहनों भाइयों, एक ऐसे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, और मैं देवेंद्र जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं, महाजनादेश यात्रा निकालने का जो उन्होंने फैसला किया, मुंबई से नहीं निकाला है, महाराष्ट्र के किसी बड़े शहर से यात्रा निकालने का फैसला नहीं किया, बल्कि यात्रा निकालने का फैसला उन्होंने किया तो महाराष्ट्र के एक ग्रामीण क्षेत्र से यह यात्रा निकालने का फैसला किया, क्योंकि शायद देवेंद्र फडणवीस जी भी सच्चाई को समझते हैं कि भारत की आत्मा यदि रहती है तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े शहरों में भारत की आत्मा नहीं बसती है, बल्कि भारत की आत्मा बसती है तो भारत के गांव, गली और गलियारों में भारत की आत्मा बसती है। शायद इसी सोच के आधार पर ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से यह यात्रा निकालने का फैसला किया। हम लोग यहां पर आए और मुझे सचमुच बेहद खुशी हुई, जिस राष्ट्र संत तुड़कोजी महाराज का बराबर हम नाम सुनते रहे, आज उनके समाधि स्थल पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का, अपनी श्रद्धा को समर्पित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। बहनों भाइयों, जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, यह महाराष्ट्र की धरती, यहां पर बड़े बड़े महापुरुषों की धरती है तो बड़े बड़े संत और महात्माओं की भी यह धरती है। संत तुकाराम जी जैसे संत, संत नामदेव जी जैसे, संत गाडगे बाबा जी और राष्ट्र संत तुड़कोजी महाराज जैसे कई संत इस महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए हैं। वहीं पर कई ऐसे महापुरुष महाराष्ट्र की माताओं की कोख से पैदा हुए हैं, जिन्होंने पूरे भारत का मार्गदर्शन किया है, पूरे भारत का नेतृत्व किया है, चाहे वह हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महापुरुषों, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक हों, चाहे वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, और एक और महापुरुष पैदा हुए जो हमारे बीच नहीं है, वह बाला साहब ठाकरे भी इसी महाराष्ट्र की धरती पर पैदा हुए हैं। बहनों भाई, मैं सबके प्रति हृदय से अपने सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस। बहनों भाई, अवस्था केवल 48 साल की, और हिंदुस्तान के इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी को संभालना, पहले लोगों को संदेह था, दुविधा थी, क्या इतनी छोटी आयु में महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व देवेंद्र जी फडणवीस ठीक तरीके से संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, लेकिन यह संदेह भले ही कुछ लोगों के मन में था बहनों भाइयों, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोगों के मन में तो यह बात पक्की थी कि महाराष्ट्र को यदि सही दिशा कोई दे सकता है तो यही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यही बनकर दे सकते हैं। और आपने 5 वर्षों के अंदर देखा, जिस समय 2014 विधानसभा का चुनाव हो रहा था, देवेंद्र फडणवीस को नेता के रूप में हम लोगों ने जनता के सामने पेश नहीं किया था,
भारतीय जनता पार्टी उस समय चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी को आप सब ने जनादेश दिया। लेकिन उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति की, तो आपने देखा होगा 5 वर्षों के अंदर इस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहनों भाइयों आपका विश्वास जीतने में कामयाबी हासिल की है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जितना मैं देवेंद्र फडणवीस को जानता हूं, भरोसा रखना मेरे ऊपर, मैं आपको वचन देकर जा रहा हूं, 5 वर्षों के अंदर इन्होंने आपका विश्वास जीता है। आप 5 वर्ष के लिए और अवसर दीजिए, आपका दिल जीतने में देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से कामयाब होंगे, क्योंकि इनकी कार्यशैली से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। और इन्होंने जनसंवाद यात्रा, यह महाजनादेश यात्रा निकालने का फैसला इस ग्रामीण क्षेत्र से किया है। बहनों भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है, उसका ध्येय वाक्य है, गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी का इंसान बेरोजगार नौजवान और महिलाओं का सम्मान, इसके लिए जो भी बनेगा वह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जहां पर महाराष्ट्र में 2014 के चुनाव में जनादेश दिया, बहनों भाइयों, केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भी 2014 में आपने जनादेश दिया, लेकिन इस बार 303 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराकर आपने महाजनादेश दिया। और आप निश्चित रूप से इस बात पर सहमत होंगे कि भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने की कुवत यदि किसी के अंदर है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अंदर वह कुवत है। सबका साथ सबका विकास, यह मंत्र लेकर अपनी जिम्मेदारी को संभालने का काम हमारे प्रधानमंत्री इस समय कर रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश के विकास का स्वप्न भी हमारा साकार नहीं हो सकता, इस हकीकत को भी हमारे प्रधानमंत्री अच्छी तरह समझते हैं। क्या इस देश के गरीबों ने कभी इस बात की कल्पना की होगी कि हम भी बैंक के दरवाजे पर जाकर हम बैंक से अपना पैसा निकाल सकते हैं, हम अपना पैसा जमा कर सकते हैं? बैंकिंग सिस्टम के साथ हिंदुस्तान के गरीबों को आम लोगों को जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो आज के हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 33 करोड़ लोगों के खाते खोलकर पूरे एक बैंकिंग सिस्टम के साथ हमारी सरकार ने आम गरीब को जोड़ने का काम किया है। पहले बहुत सारी सामाजिक कल्याण की जो योजनाएं होती थी जिन्हें सोशल वेलफेयर स्कीम कहते हैं, लोगों के पास सरकार के पास से पैसा चलता था, आधा अधूरा, एक तिहाई, एक चौथाई लोगों तक पहुंच पाता था। लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाने का काम किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, बहनों भाइयों, कि आज मुझे कहते हुए गौरव की यह अनुभूति हो रही है कि जितने फर्जी लाभ लेने वाले लोग थे, ऐसे 8 करोड़ फर्जी लाभ लेने वालों को हम लोगों ने चिन्हित करके उन्हें बाहर कर दिया है और आपकी गाढ़ी कमाई का 1,10,000 करोड़ रुपया बचाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। यह पैसा कहां खर्च होगा? यह पैसा भी खर्च होगा गांव गरीब और किसान के विकास में ही, है बहनों भाइयों, खर्च होगा। बार बार यदि मैं गांव गरीब किसान की बात करता हूं, कोई यह कह सकता है क्या व्यापारी नहीं है, क्या दूसरे पेशे में काम करने वाले लोग नहीं है, आप उनकी क्यों नहीं बात करते? तो मैं इसलिए बार बार किसान की बात करता हूं, एक तो मैं भी आपकी तरह गांव का रहने वाला हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, शेतकरी का बेटा हूं, मैं खुद भी शेतकरी हूं बहनों भाइयों। और मैं जानता हूं इस देश में एक पेशे में लगी हुई सबसे बड़ी जनसंख्या यदि किसी की है तो वह किसानों की है। जिस दिन किसान की जेब में पैसा हो जाएगा, जिस दिन किसान की जेब में पैसा हो जाएगा, उस दिन अपने आप दुकानदार की दुकानदारी चलने लगेगी, व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, डॉक्टर की डॉक्टरी चलने लगेगी, मास्टर की मास्टरी चलने लगेगी और वकील की वकालत चलने लगेगी, अपने आप यह सारा हिंदुस्तान चलने लगेगा।
इसीलिए बार बार मैं गांव, गरीब और किसान की बात करता हूं। और बहनों भाइयों, हमारी सरकार का यह संकल्प है, आज उस संकल्प को आपके सामने भी पेश करना चाहता हूं। यकीन रखना, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, 2022 आते आते हमारे किसानों की जितनी आमदनी आज के 2 साल पहले रही है, बहनों भाइयों, आपकी आमदनी को हम ठीक 2 गुना करके ही दम लेंगे। यह हमारी सरकार का फैसला है। गांव गांव तक जो आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वह सारी सुविधाएं भी हम लोग पहुंचाने का काम आप सबको कर रहे हैं। और कमाल किया है आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने, छत्रपति शिवाजी शेतकरी योजना के अंतर्गत 43 लाख किसानों को 18,036 करोड़ रुपए वह उनके खातों में डालने का काम किया है। मैं जानता हूं एक समय था जबकि मैं एक कमेटी के चेयरमैन के रूप में आया था, विदर्भ में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं होती थी। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि पूरी तरह से समाप्त हो गई, और आत्महत्या के कई कारण भी होते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा जिस संकल्प के साथ आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, बहनों भाइयों, ऐसे हालात कुछ समय के बाद पैदा होंगे इस महाराष्ट्र की धरती पर। कर्ज के बोझ के कारण दबा हुआ कोई किसान कोई नहीं रहेगा, और सबको इस आत्महत्या के संकट से मुक्ति दिलाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए हैं, गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का फैसला, और हमारी केंद्र की सरकार ने तो यह फैसला किया है कि हम गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ेंगे, गांवों को कस्बों से जोड़ेंगे, कस्बों को बाजारों से जोड़ेंगे, शहरों से जोड़ेंगे, एयरपोर्ट से जोड़ेंगे और रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ेंगे। हम सारे हिंदुस्तान को ही सड़कों के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, बहनों भाई। जब तक हिंदुस्तान की सड़कें बेहतर नहीं होंगी, जब तक लोगों का आवागमन सुविधाजनक नहीं होगा, बहनों भाइयों, भारत के विकास का भी स्वप्न हमारा किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी केंद्र की सरकार ने फैसला किया है कि आगामी 5 वर्षों के अंदर सड़कों के का जाल सारे हिंदुस्तान में, गांव से लेकर एयरपोर्ट तक, शहरों तक सड़कों का जाल बिछाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे। यह हमारी सरकार का फैसला है, और मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं। यही के विदर्भ के रहने वाले आज जो भूतल परिवहन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं श्री नितिन गडकरी, इसी विदर्भ के रहने वाले हैं, जिन्होंने की सड़क निर्माण के क्षेत्र में भारत के अंदर एक अद्भुत काम किया है, बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है, जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में चौड़ी चौड़ी सड़कें बिछाए जाने का सिलसिला प्रारंभ किया था। उस समय भी यहां महाराष्ट्र में मंत्री रहते हुए मैंने देखा बराबर नितिन गडकरी जी का सुझाव लिया जाता था। आज वही जिम्मेदारी नितिन गडकरी जी निभा रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में तेजी से सड़कों का जाल बिछता चला जा रहा है, बहनों भाइयों, इस पर हम लोग कामयाबी निश्चित रूप से हासिल करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। विगत 5 वर्षों के अंदर कोई यह पूछेगा, यह बताइए आपके प्रधानमंत्री ने शौचालय बनवाए, आपके प्रधानमंत्री ने लोगों को आवास दिए, बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए 6,000 रुपया की मानधन राशि भी दी है, सब कुछ किया है, लेकिन क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? मैं कोई लंबा मिसाल आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब सारे विश्व में आर्थिक मंदी थी, सारा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, मेरे बहनों भाइयों, तो उस समय भारत में रूरल डिमांड यानी ग्रामीण क्षेत्रों की मांग थी, मांग के कारण भारत जो है वैश्विक मंदी से कैसे प्रभावित नहीं हो पाया था, इसका भी श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देना चाहता हूं। इसीलिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के हालात को बदलना चाहते हैं, भले ही विश्व में आर्थिक मंदी आ जाए, लेकिन यदि गांवों में हमारे किसान की जेब में पैसा होगा, गरीब की जेब में पैसा होगा, बहनों भाइयों, भारत जैसा बड़ा देश भी या कभी भी वैश्विक मंदी से प्रभावित नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को भी हम जानते हैं, आज इस हकीकत को हम जानते हैं कि लगभग बड़ी संख्या में अब भी लोग हैं
जिनको कि अपना सिर ढकने के लिए छत नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है भारत के जनता को कि 2022 आते आते भारत के अंदर एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको अपना सिर ढकने के लिए छत न मुहैया हो। एक भी परिवार इस हिंदुस्तान में नहीं बचेगा। गांवों की हालत को मैं जानता हूं क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं। आज लोगों के घरों में, गांव में पानी पीने के लिए कुएं पर जाना पड़ता है, दूर दराज जाना पड़ता है। बहनों भाइयों, हमारी सरकार का यह संकल्प है 2025 आते आते पाइप के द्वारा आपके गांव में नहीं बल्कि आपके घर में पाइप के द्वारा हम लोग पानी पहुंचाने का काम करेंगे। यह भी हमारी सरकार का संकल्प है। कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किए। ग्रामीण मजदूर, हम लोगों ने फैसला किया है 60 साल की उम्र होने के बाद उन्हें 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। मैं व्यापारी समाज के लिए भी कहना चाहता हूं, कर्मयोगी एक मानधन योजना। हमारा गरीब, हमारा वह व्यापारी जिसकी 1.5 करोड़ रुपए से कम की आमदनी है, उसको भी 60 साल की आयु पूरी होने के बाद, बहनों भाइयों, उसे भी 3000 रुपया प्रति माह की यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यह भी हमारी सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। ऐसे कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले देश हित में हमारी सरकार ने किया है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक लंबे अरसे से मांग चली आ रही थी, आरक्षण की व्यवस्था तो है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो बहनों भाइयों, हमारी केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में फैसला किया कि अब जो न पिछड़े हैं न जो दलित हैं लेकिन वास्तव में यदि कमजोर हैं, ऐसे वर्गों से भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यह हमारी सरकार का फैसला है। और मैं आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई देना चाहता हूं, मराठा समाज को आरक्षण देने की मांग मैं वर्षों से देख रहा हूं, 20-25 साल से मैं देख रहा हूं, बराबर महाराष्ट्र में उठती रही है, लेकिन हिम्मत और साहस का काम, मराठों के लिए आरक्षण देने का काम यदि किसी ने किया है तो बहनों भाइयों आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। बहनों भाइयों, इसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, ओबीसी समाज के विकास के लिए जहां पर केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग कमीशन को एक संवैधानिक दर्जा दिया, वहीं पर आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आकर पिछड़े समाज के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय ही बना डाला है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जो समाज के सभी वर्गों की चिंता करता है, वही कर सकता है। मैंने एक बात और कही थी, महिलाओं के सम्मान के प्रति भी हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप ये कहेंगे महिलाओं के सम्मान के लिए कई कदम उठाए गए हैं, मैं उसकी यहां पर बहुत विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करना चाहता। पहले हमारी माताएं बहनें जो नौकरी में थी, कोई काम करती थी, उनको मैटरनिटी लीव जिसे बोलते हैं, यानी शिशु पैदा होने के बाद 3 महीने का अवकाश मिलता था, उसको बढ़ाकर 6 महीने का करने का काम पहली बार भारत के इतिहास में किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। बहनों भाई, हाल में ही अपने आपने देखा समाज में ऐसी भी महिलाएं थी, भले ही शादी हो जाए लेकिन 3 बार तलाक 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 बोलकर उस महिला को छोड़ देते थे, उस बहन को छोड़ देते थे, ता जिंदगी बेसहारा होकर इधर उधर भटकती रहती थी। बहनों भाइयों, हम लोगों ने फैसला किया, चाहे किसी भी जात की बहन हो, चाहे किसी भी कौम की वह बहन हो, चाहे किसी भी धर्म की कोई बहन हो, बहन बहन होती है, मां मां होती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए भारत की संसद में कानून लाकर 3 तलाक की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में इस संबंध में इतना प्रभावी कदम उठाने का साहस इसके पहले कोई नहीं कर पाया था। यही कांग्रेस पार्टी साहबानों प्रकरण में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साहबानों के पक्ष में था लेकिन उसे लागू करने का साहस उस समय की राजीव गांधी जी की सरकार नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर उन्होंने एक कानून ही बना डाला।
लेकिन हम लोगों ने फैसला किया चाहे जो कोई भी हो, किसी जाति मजहब की कोई माँ हो, कोई बहन हो, वो माँ होती है, बहन होती है, हम उसको सम्मान बख्शेंगे। और इस काम को हम लोगों ने किया है। बहनों भाइयों से कई कदम उठाए हैं। भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है मुझे अब बतलाने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया भी इस सच्चाई को स्वीकार करने लगी है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2030 2031 आते आते हमारा यह भारत दुनिया के जो तीन ताकतवर देश माने जाते हैं, रूस, चीन, अमेरिका, उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर हमारा भारत दुनिया की टॉप थ्री अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, सारा विश्व का अर्थशास्त्री भी सच्चाई को अब स्वीकार करने लगा है। यदि आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हो रहा है तो वहीं सैन्य दृष्टि से भी भारत की ताकत बढ़ी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसके पहले मैं भारत का गृहमंत्री था। गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभालने के 3-3.5 महीने के अंदर भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बड़ी वारदात हो गई और पाकिस्तान की सेना ने गोली चलाकर हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 5 जवानों को मार डाला। रात का समय था, यूं ही टेलीविजन पर खबर आई। मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक को टेलीफोन मिलाकर पूछा कि मैं अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा हूं टेलीविजन के पर्दे पर। उन्होंने कहा साहब बड़ी दुखद दुर्घटना हो गई, पाकिस्तान ने गोली चलाई है, हमारे 5 लोग मर गए। मैंने पूछा कि हमारी फोर्स ने क्या कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनका जवाब यह था कि साहब पहले से आदेश चला रहा है, 16 बार हम लोगों ने पाकिस्तान को व्हाइट फ्लैग सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा क्या होता है? कहता पहले का आदेश है, सफेद झंडे से हम पाकिस्तान को यह संदेश देते हैं कि अरे पाकिस्तान हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हम तुम पर गोली नहीं चलाना चाहते हैं, फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने पूछा महानिदेशक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा साहब अभी तक 16 बार झंडा दिखाए जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा आगे क्या सोचा है? उन्होंने कहा है कि मैंने सोचा है कि 17वीं बार भी हम सफेद झंडा दिखाएंगे और उसके बाद यदि पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया तो फिर हम सीधी कार्रवाई करेंगे। बहनों भाइयों मेरा भी खून गर्म हो गया और मैंने तुरंत टेलीफोन पर ही महानिदेशक को आदेश दिया। मैंने कहा मेरा आदेश है और आगे तक के लिए आदेश है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से एक भी गोली चल जाती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों सीमा पर हालात बदल गए। भारत की सेना कितनी ताकतवर सेना है देश की जनता को बतलाने की जरूरत नहीं है, दुनिया ने भी मान लिया है। भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। आपने देखा कश्मीर में आकर हमारे सीआरपीएफ के जवानों को एक फिदायिन ने, आतंकवादी ने मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत हम सब लोगों के साथ बैठकर फैसला किया, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। बहनों भाइयों सारा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है हमारे एयरफोर्स के जवानों ने भारत की धरती से नहीं पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों का बड़ी संख्या में सफाया करने में कामयाबी आ। हमने यह संदेश दे दिया कि जो हमसे छेड़छाड़ करेगा हम केवल इस पार से ही नहीं जरूरत पड़ी उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह ताकत, यह कुवत भारत के अंदर है और इस करिश्मे को करके हम लोगों ने दिखाया है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत बहनों भाइयों एक शांत प्रिय देश है। भारत के इतिहास के पन्नों को उठाकर कोई देख ले, भारत ने दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया है, भारत ने दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा नहीं किया है। लेकिन हम लोगों ने आवश्यक समझा कि भारत को हर दृष्टि से ताकतवर होना चाहिए, पहला आक्रमण हमारा दुनिया के किसी देश पर नहीं होगा, लेकिन यदि होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत अब भारत के अंदर पैदा हो गई है, यह मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं। और बहनों भाइयों
इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं, जब यह हमारा महाराष्ट्र मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र यह मजबूत होगा बहनों भाइयों। और आप सब सचमुच मुझे याद आता है नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार किसी सभा में अथवा किसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस के रूप में महाराष्ट्र को एक मैं सौगात भेंट कर रहा हूं। और आपने देखा होगा कि 5 वर्षों के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसके अनुरूप काम करके दिखा दिया है। इसलिए अंत में एक बार मैं पुनः आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों अद्भुत काम किया है, श्रेष्ठ काम किया है हमारे देवेंद्र भाई ने, क्योंकि हमको यह भी बतलाया गया खेतों में तालाब बनवाया है, सिंचाई का कुआं बनवाया है, 1,73,000 फसल बीमा योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया है। और सबसे बड़ी बात राजनीतिक क्षेत्र में जो लंबे समय तक काम करता है बहनों भाइयों उसके दामन पर भ्रष्टाचार की दाग लग जाती है, लेकिन भारत महाराष्ट्र ही नहीं भारत का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। बहनों भाइयों एक ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला हुआ है और आगे के लिए इस बार हम चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के साथ हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। पहले अलग अलग लड़ गए थे लेकिन आपने देखा होगा फिर भी हम लोगों ने मिलकर सरकार बना ली है। कोई कह रहा था कि 200 के पार इस बार हम लोगों को जीतना है, मैं कहता हूं भाजपा शिवसेना यदि युति मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है तो बहनों भाइयों 200 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि 250 प्लस का आंकड़ा लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को मैदान में जाना चाहिए कि हम 250 सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे और पुनः यहां पर भाजपा शिवसेना युति की सरकार बनाएंगे और देवेंद्र फडणवीस जी पुनः हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, यह संदेश भी जनता तक जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ही धैर्य से आप लोगों ने हम लोगों की बातों को सुना है, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।